तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिल्मों का एक चैनल फ्रेंड्स दिल लगी चैनल फ्रेंड्स। अगर आप डीडी फिडिस के ग्राहक हैं तो यहाँ पर आपको दिल लगी चैनल तो याद ही होगा। अगर आप डीडी फिडिस के बहुत ही पुराने ग्राहक हैं तो एक समय ये हमारे डीडी फिडिस में उपलब्ध था जो कि फिल्मों का एक चैनल था फ्रेंड्स। ये बहुत पहले बहुत पुरानी फिल्में दिखाई जाती थी लेकिन दोस्तों समय के साथ इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए थे और इसमें काफ़ी नई नई फिल्में दिखाई जाती थी। ये फिल्में का चैनल काफ़ी अच्छा हुआ करता था। अगर आप लोग में से कोई ये चैनल देखते होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि डीडी फिडिस से इस चैनल को रिमूव होना पड़ा और साथ ही साथ ये चैनल कब वापस डीडी फिडिस में आ सकता है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये हमारा एक सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा बहुत सारे चैनल के बारे में, ये एक चैनल क्यों बंद हुआ उसकी कहानी बताऊँगा और कि अब डीडी फिडिस में आएगा सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो, अगर आप भी ऐसा और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले दिल लगी चैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स दिल लगी चैनल अभी हमारे डीडी फिडिस में उपलब्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये लेकिन ये प्राइवेट डीटीएच यानी टाटा स्काई ये सारे डीटीएच प्लेटफॉर्म में अभी उपलब्ध है, जिसकी टीआरपी अभी पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है डीडी फिडिस से जाने के बावजूद, क्योंकि लोग इसमें काफ़ी अच्छी फिल्में दिखाई जाती है इस कारण लोग इसे इस फिल्म को चैनल को देखते हैं। तो बाकी बात करें फ्रेंड्स बीते भी सोनी वाई ये सब का भी टीआरपी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये फिल्मों का चैनल है और फिल्मों का चैनल सभी को देखते हैं, चाहे वो प्राइवेट डीटीएच के कस्टमर या फ्री डिश कस्टमर के। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले ये चैनल आखिर बंद क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स की जो टीआरपी रेवेन्यू थी जैसे को पता होगा फ्री डिश में रहने के कारण काफ़ी घट चुकी थी, इस कारण अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इसने प्राइवेट डीटीएच के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, जिसके कारण इसकी टीआरपी यानी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी अच्छा कमाने से ऐड भी आने लगे और ऐड के ज़्यादा पैसे भी मिलने लगे क्योंकि वो प्राइवेट डीटीएच में दिखाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स बात करें कि ये डीडी फिडिस से बंद कब हुआ, तो ये एक साल पहले ही बंद हो चुका था, 25 अक्टूबर 2017 या 18 से यहाँ पर आपके लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ पर आपके लिए कुछ महीने पहले नहीं, ये बहुत दिनों से बंद है, करीबन एक साल से ऊपर हो चुका है इस चैनल को बंद हुए। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका कोई भी पता नहीं है कि ये डीडी फिडिस में कब आएगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये चैनल अभी प्राइवेट डीटीएच में काफ़ी अच्छा चल रहा है जिसका ये डीडी फिडिस में नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों ये कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल लगी चैनल के बारे में, आगे और भी चैनल के बारे में आपको बताऊँगा इस सीरीज़ में। तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल